अपने समाज के इष्ट देवता पर गलत टिप्पणी के विरुद्ध सिंधी समाज ने सौंपा ज्ञापन। सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल जी के ऊपर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सिंधी समाज उद्वेलित है। मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारी ने जहां राजधानी रायपुर में एक दिवसीय मौन प्रदर्शन किया, तो वहीं बुधवार को प्रदेश के हर जिले के पुलिस महकमे को टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में धमतरी सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीएसपी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। इष्ट देव आराध्य देव भगवान झूलेलाल साई के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले, अशोभनीय टिप्पणी करने वाले क्रांति सेना के चंद्राकर सौरभ चंद्राकर व अन्य साथी के द्वारा भगवान झूलेलाल को अभद्र टिप्पणी की है और समाज के प्रति भेदभाव नीति से वैमनस्य फैलाने का जो उन्होंने कार्य किया है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ से पूरी सिंधी पंचायतें हर जगह ज्ञापन दे रहा है कि उनके ऊपर तत्काल गिरफ्तारी करके उसे गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम अब दूसरे आंदोलन के प्रति अग्रसर रहेंगे। कल इसी तरह में मौन धरना का कार्यक्रम रायपुर में हुआ था और हमने शुरू से कहा है कि हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हम सिंधी समाज के, जो संस्कृति के सभ्यता के मान्यता हम सभी को यह धर्म का ज्ञान देते हैं और हम लेते भी हैं कि हम सभी मानव के प्रतीक हैं। और ऐसे समय में जब आप क्रांति की बात करते हो तो हिंदुस्तान में विकास के लिए क्रांति के लिए आगे लड़िए, प्रदेश में उत्थान के लिए आप क्रांति कीजिए। किस तरह पे आप जा रहे हो, क्या क्रांति कर रहे हो आप? लोगों में वैमनस्य मत बांटिए, समाज को मत तोड़िए, हिंदुस्तान में अलगाववाद की स्थिति मत पैदा कीजिए। हम सभी एक समान हैं, सब मानव हैं, हर धर्म को अधिकार है हर बात करने का। और जो सिंधी समाज पूर्णतः पूरे वर्ल्ड में जो अपने संस्कार के लिए और व्यापार के दृष्टिकोण से जो उत्थान किया है, उसके प्रति ऐसी टिप्पणी और क्या है? झूलेलाल साईं जिन्होंने अवतार लिए धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे धर्म की रक्षा के लिए। और चालिया महोत्सव हम मनाते हैं कि भगवान हमेशा बरसात सही समय में पानी हो, जिससे कृषि हमेशा फले फूले, किसानों की खुशहाली, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे के लिए ऐसा ये किया जा रहा है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश से कि ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं हो, उनके ऊपर तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाए और भविष्य में भी ऐसा कोई भी समाज को तोड़ने वाला ऐसा कभी भी कदम न उठाए, इसके लिए उचित मांग हमारी है कि आप तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।